Hocam. Assalamu alaikum 5 class. How are you all? I hope all you are fine. Students, today is Wednesday, day 26. Today's science diary is chapter number 3, seed structure, page number 34, book reading. ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 5 लर्न पेज नंबर 34 पे हमने बुक रीडिंग करनी है. क्वेश्चन नंबर 5 आपने लर्न करना है. कल हमने इसका सीवक किया था, आज आपने इसको लर्न. स्टूडेंट्स पेज नंबर 34 ओपन करें बुक का. टॉपिक है हमारा हाइपोजील जर्मिनेशन. हाइपोजील जर्मिनेशन में किस तरह सीड जर्मिनेट करता है ये हम पढ़ेंगे. इसमें सीड बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे ही रहता है और उस ज़मीन के नीचे ही रह के जर्मिनेट करता है. आप इसमें देख सकते हैं सीड ज़मीन के अंदर ही है, बाहर की तरफ नहीं आया, बाहर सिर्फ प्लांट की ग्रोथ हुई है. अब हम इसकी रीडिंग करेंगे. द वर्ड हाइपोजील इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइपो विच मीन्स बिलो एंड जील मीन अर्थ. दिस जर्मिनेशन ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस बिलो द ग्राउंड. For example, of plant with hypogeal germination is the maize, pea, mango, rice, gram and groundnut etc. Hypogeal germination में seed below the ground germinate करता है और इसकी example भी maize, pea, mango, rice, gram and groundnut है. Next हम इसकी example पढ़ेंगे. Maize seed monocot, monocot means one cotyledons होगा. कल हमने डाइकोट पढ़ा था, उसमें टू कोटिलेडन्स थे, इसमें मोनोकोट वन कोटिलेडन होगा. इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन सीड कोटिलेडन रिमेन इनसाइड द सॉइल और बिलो द सॉइल. द कोटिलेडन प्ले नो रोल इन मोनोकोट सीड इन टर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. देयर इज अ ग्रेटर एलोकेशन ऑफ द एपिकोटाइल. द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एपिकोटाइल इज कर्व टू प्रोटेक्ट द प्लोम्यूल. इन दिस प्रोसेस द एनर्जी फॉर ग्रोथ इज प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म. आप इसमें देखें हमारे पास ये सीड है, ये बिलो द ग्राउंड है, सीड जर्मिनेट किया. ये हमारे पास रेडिकल और ये हमारे पास एपिकोटाइल. रेडिकल आगे रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल रूट में कन्वर्ट होगा और हमारे पास एपिकोटाइल स्टेम शूट वगैरह में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी और प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी. इस टाइप ऑफ जर्मिनेशन को हम हाइपोजील जर्मिनेशन कहेंगे. स्टूडेंट्स आपने इसकी रीडिंग करनी है. कल आपने इसका इस क्वेश्चन का सीवक किया था पेज नंबर 35 बुक पे. आपने इसको अब लर्न करना है. स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को लर्न करना है और वन टाइम प्रैक्टिस भी करनी है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.